जी मुझे घर से कॉल आ रही है, मैं घर जाऊं। अबे डर मत, इधर आ, कुछ नहीं कहते ज़ोंबी। इसको उठाओ क्योंकि इसको ज़ोंबी ने काट लिया और ये इन्फेक्टेड हो गया, और ये किसी भी वक्त ज़ोंबी बन सकता है। इसको उठाओ और उठा के इधर दरवाजे के बाहर रख। आने दे आने दे आने दे, इधर इधर रख दे, इधर रख दे। बॉस आप अंदर जाके मारो उसको, मैं इधर ध्यान रखता हूँ कोई आ ना जाए। अभी भी साला सर पे गोली नहीं लगी, पता नहीं इन साला ज़ोंबियों का क्या मसला है, जब तक सर पे गोली ना मारो मरते ही नहीं। वाह बेटे वाह, क्या निशाना लगाया तूने। वाह बॉस, बड़ा कोई ताकतवर ज़ोंबी था। ये ज़ोंबी नहीं, सिर्फ जो भी इंसान ज़ोंबी बनता है उसकी ताकत डबल हो जाती है। चल कोई नहीं, आखिरकार उससे जान छूट ही गई। बॉस ये रस्सी किसके लिए लगाई थी? बॉस ये भी ज़ोंबी बन के आ गया। Nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much. अब पता चला तार किस लिए लगाई थी। Filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got 2 saal baad. Jaffa. इन 2 सालों के अंदर जाफे ने अपनी इतनी ज़ोंबी आर्मी बनाई कि कोई इंसान वहां तक सोच भी नहीं सकता, और ये अब एक किस्म का ज़ोंबियों का सरदार है क्योंकि सारे ज़ोंबी इसके इशारों पर चलते हैं। अबे अबे अपनी बीवी को खा गया, अपनी बीवी का खून इसने क्यों पिया है? वाह बेटे वाह, कहता जब मैं जिंदा था तो मेरी बीवी मेरा खून पीती थी, अब मैं ज़ोंबी बना हूं तो मुझे मौका मिला मैं उसका खून पी आया। हाँ आपने ठीक सुना, जाफा बोल भी सकता है क्योंकि जाफा कोई ज़ोंबी नहीं, ये बात ज़ोंबियों की जुबान बोल सकता है क्योंकि ये किसी ज़ोंबी के काटने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं था हुआ, ये एक लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान ज़ोंबी में कन्वर्ट हो गया, और ये थोड़ा सा ज़ोंबी लेकिन ज्यादा इंसान है। सीधे लफ्जों में बोलो तो ये एक शैतान है।
और सारे ज़ुंबी इसकी जुबान समझते हैं और इसका हुक्म भी मानते हैं, इसलिए ये हर इंसान को ख़त्म करके उनको ज़ुंबी बना रहा है ताकि सारी दुनिया में ज़ुंबी रहें और सारे ज़ुंबी फिर इसका हुक्म माने और ये उन पर राज करें। और जो इससे ये काम छड़वा सकता था उसने खुद ही ये काम छोड़ दिया। माँ छदके मेरी ज़ुंबो, माँ छदके जाए मेरा ज़ुंबी। हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज़ुंबी मार के दिखाऊंगा। पहले मैं पिस्तौल के साथ ज़ुंबी मारता था, अब मैं आपको बंदूक के साथ ज़ुंबी मार के दिखाऊंगा। चले आप बंदूक उठाते हैं और ज़ुंबियों की माँ बहन एक करते हैं। गाइज हम आपको मार के दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ जी गाइस, देखिए मैंने इधर ज़ुंबियों को लिटा दिया, अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है, किस दिन जाफा को मारना है। और मुझे पता है मैं अकेला नहीं उसे मार सकता, इसीलिए मैं एक टीम बना रहा हूँ और मैं एक न एक दिन ये सारे वायरस को इस दुनिया से मिटा दूंगा और मैं किसी भी ज़ुंबी का इस दुनिया पर राज नहीं चलने दूंगा। तो तब तक इजाज़त चाहते हैं और अगली बार हम मिलेंगे अपनी पूरी टीम के साथ, हम सब मिल के जाफा और उसके ज़ुंबी टीम का खात्मा करेंगे। दिखा से कितने लाइक आ गए हैं। सॉरी सर जी, कैमरा ही बंद था। दार फिटे मुई तेरी, तेरी, इसको क्यों मार रहा हूँ। ये बोलता है कि हम सारे ज़ुंबी लड़के हैं, किसी लड़की को भी ज़ुंबी बनाओ। इसमें क्या गलत है। अबे ये साला बोलता है मियां हलीफा को ज़ुंबी बनाओ, साला जॉनी की लाश। बॉस ज़ुंबी मारना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, जाफा और उसकी आर्मी को भी मार दो। बोल रहा जाफा की आर्मी को मार दो। क्यों, क्या हुआ है। तूने कभी सरकारी दफ्तरों के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखी है। हाँ देखी है, वो तो बहुत लंबी होती है लाइन, उससे 10 गुना ज्यादा ज़ुंबी उसके साथ मामूली होते हैं और तू बोल रहा जाफा की आर्मी को मार दो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. सर आपने जो कहा था जाफा के खिलाफ टीम बनानी है, उस टीम में कौन कौन है। सबसे पहले तो मेरी नज़र में एक ही बंदा है, लेकिन उसने अब ये काम छोड़ दिया है। अब पता नहीं वो मानेगा या नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं उसी के पास जाऊंगा। ये 2 कप चाय लगा दो। अंदर बैठे लगाते हैं, छोटे जाओ 2 कप चाय दे के आओ साहब को। छोटा तुम नहीं, अपने उस्ताद को भेजा। अच्छा रुक, मैं दे के आता हूँ, रुक तू इधर ही। जी आए आए, इधर बैठे। जी बैठे, ये 1 कप आपके लिए है। तभी मैं सोच रहा था कि बंदा तो ये एक या 2 कप किस लिए। मुझे पहचाना, यूट्यूबर शीमा खीखी जो ज़ुंबी को मार के उनकी वीडियो पोस्ट करता है। आपको कौन नहीं पहचानता। मैंने ज़ुंबियों को मारने के लिए एक टीम बनानी है और उसमें मुझे आपकी भी जरूरत है। बट मैंने ये काम छोड़ दिया है। मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आपने ये काम क्यों छोड़ा है। आप तो ज़ुंबियों को खत्म करने में लगे थे ना, फिर आप क्यों अचानक ऐसे छोड़ गए। बेगम बेगम बेगम, तुम ज़ुंबी नहीं बन सकती बेगम, होश करो बेगम। बेगम प्लीज मेरे हाथों से ये एक बात करवाना बेगम। बेगम बेगम नहीं। जब मेरी बीवी ज़ुंबी बनी और मैंने उसको मारा
तो तब मैंने सोचा कि मैंने आज तक जितने भी ज़ॉम्बी को मारा है वो पहले इंसान ही थे और उनका कोई कसूर नहीं, वो सब बेकसूर है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ना, आज के बाद कोई भी बेकसूर नहीं मरेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया ये वायरस कैसे खत्म होता है। कैसे हो सकता है ये वायरस खत्म? अगर ये खत्म हो सकता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके लिए हमें टीम में साइंटिस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। वो क्या बला है अब यार, इसके पेट में ये मुझे दिमाग क्यों नजर आ रहा है, ये क्या है? चलो हो गया ऑपरेशन, इसको भेजो, नया पेशेंट लेके आओ। ठीक है, आप उठो, आप जाओ, ध्यान से। अरे डॉक्टर अली, इधर मेरा मोबाइल बज रहा है, देखो किधर गया है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है मोबाइल इसके पेट में ही रह गया। मोबाइल इसके पेट में रह गया जी। लम्या पा लो इनू फिर। ओ नहीं, ओ मेरा ऑपरेशन हो गया। ओ, अभी थोड़ा सा रहता, थोड़ा सा। अभी प्लास दे, प्लास किधर है? ओए होए, ये तो बीवी की कॉल आ रही है। जी बेगम, ये आते वक्त ना 2 किलो आलू ले आना। ओके, मैं ले आऊंगा, बड़ी जरूरी कॉल थी भाई। डॉक्टर साहब आपके मोबाइल के चक्कर में ये बेचारा तो मर गया। मर गया? ओ इसके घर वालों को कहना ये ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए हमने मार दिया ताकि दूसरे सेफ रहें। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब जब से ये ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ है तब से हमारा बड़ा फायदा हो गया। जिसको दिल है ज़ॉम्बी बना के मार दो। हाँ ना, एना किधर बिजनेस? यह बिजनेस। हाँ ना, यही तो बात है। साइंटिस्ट, हमें आपकी जरूरत है। चवले ना मारो, इसकी तो इसको घर वालों को नहीं जरूरत, आपको क्या इसकी जरूरत है? डॉक्टर अली साहब चवले ना मारे जी, बताएं क्या जरूरत है? आप हमारे साथ चले, हम आपको बताते हैं। जी दसो। हाँ बताओ। क्या बताऊँ? वही वो बता दूँ? हाँ बता दो। देख लो, पर वो बात बताने वाली नहीं है। अबे साले, वो नहीं, जाफा के बारे में बता। मैं क्या जाफा के बारे में बताऊँ, मुझे क्या पता उसका कौन है जाफा। साले शरीफ मत बन, हमने तुम्हारे बारे में सारी इंक्वायरी की है। जब भी तुम अपने लैब में जाते हो तो उसके ठीक 10 मिनट बाद उधर से जाफा निकलता है। जाफा तुमसे छुप छुप के मिलता है, मतलब कि इस वायरस के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और हाँ, मुझे पता है साइंटिस्ट, इस सारे ज़ॉम्बी वायरस के पीछे तेरा ही हाथ है। नहीं, जाफा तो वो मुझसे वो दूसरी दवाई लेने आता था। वायरस वाला कोई चक्कर नहीं। दूसरी कौन सी? वो वाली कौन सी? वही यार, उसकी तो मुझे भी जरूरत है, मुझे भी देना। किसी को बोलना मत, लेकिन मैं तेरे को दूंगा 30 मिनट तो पक्के। मुझे पता है जाफा का तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो जरूर चक्कर है, लेकिन छोड़ जाफा को, दफा कर। जब भी कोई वायरस बनता है तो उसका एंटीवायरस जरूर बनता है, और हमें बताओ उसका एंटीडोट हमें किधर मिलेगा ताकि हम सारे वायरस को इस जड़ से खत्म कर सके। जाफा को तुम कल का बच्चा समझते हो? जाफा को पहले से पता था कि तुम लोग कोई ना कोई टीम बना के कोई ना कोई साजिश जरूर करोगे और वो एंटीडोट जरूर हासिल करोगे, इसीलिए उसने कल से ही अपनी ज़ॉम्बी टीम और अपने बंदों को वो एंटीडोट हासिल करने के लिए भेज दिया है। और अब वो एंटीडोट लेके उसको तबाह कर देगा और फिर कभी भी ये ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो सकेगा। वो एंटीडोट किसी सूरत में भी हमारे पास होना चाहिए, तभी मजा आएगा। जाओ सारे और वो एंटीडोट हासिल करके लेके आओ। जाओ, हमें जल्दी बताओ वो वायरस किधर है ताकि उन ज़ॉम्बियों से पहले हम उसे हासिल करें। बेटे, ज़ॉम्बी कल से निकल चुके हैं और अगर तुम आज निकलोगे तो फिर भी ज़ॉम्बी तुमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी कोशिश नाकाम है। मेरा कद्दू हमसे पहले पहुंच जाएंगे। मैंने देखा ज़ॉम्बियों को, वो घर से दही लेने भी जाए तो 3 दिन लगाते हैं। बताओ हमें एंटीडोट किधर मिलेगा ताकि हम उनसे पहले जाकर ले सके। चलो फिर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Bring the action. It could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over other shoulders, like moving boulders. ये तो नहीं आज स्टार्ट होगा, नीचे उतरो। मेरे ऐसे नहीं उतरने होता। हो गया, हम ले बैठे एंटी डोज और कर बैठे ज़ोंबियों को खत्म। भाई जी, मोटरसाइकिल का इंतजाम करना है ना, तो मेरा एक दोस्त है, उसने लिया नया मोटरसाइकिल। उसके पास जाते हैं, उससे मोटरसाइकिल लेते हैं, लेकिन ना उससे ना कुछ तरले करके लेना पड़ेगा मोटरसाइकिल। ओ यस, न्यू मोटरसाइकिल ले लिया मैंने। ओ वाह, माशाल्लाह, न्यू मोटरसाइकिल। यार दो मिनट के लिए चाबी तो देना, मैंने ये दुकान तक जाना है। देख साइंटिस्ट, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस चाबी दो, मैं दो मिनट में आई है, देखो यूं गया आया। यार मोटरसाइकिल तो बहुत ही अच्छा है। बस यार, यार तू यकीन मान, ये बहुत ही महंगा है और मैंने उससे बड़े तरलों से लिया है। मैंने उसको बोला है कि हम ये मिशन करके तुमको वापस कर जाएंगे मोटरसाइकिल, अभी इसको कुछ होना नहीं चाहिए यार। अच्छा जल्दी चला, ज़ॉम्बी हमसे पहले ना पहुंच जाए। अबे इसे क्या हो गया? अबे इसकी आनक टूट गई है। कोई नहीं संभाल खुद को। क्या हम पहुंच गए एंटीडोट वाली जगह पे? एंटीडोट वाली जगह तो वो है, वो जिधर तुम भी बैठे। उधर ही एंटीडोट पड़ा हुआ है, तुम जाओ। मेरे में अब हौसला नहीं रहा, मेरा पहले ही बहुत नुकसान हो गया। अबे वो मोटरसाइकिल जिसका मांगा था वो भी गया, मैं मुल्क छोड़ने लगा हूँ, तुम जाके अपना एंटीडोट वो ले लो। ओके 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 जाओ। ओए इंसानों की तरह ये एंटीडोट हमें दे दो। अबे ऐसे नहीं, इंसानों की तरह थोड़े ही है। ओए ज़ॉम्बियों की तरह हमें ये वायरस वापस कर दो। अबे उसके सर पे गोली मार। अबे साले इसके सर पे गोली मार। हाँ भाई साहब, अब आपकी क्या सलाह है? ओए ज़ॉम्बी, जाफे का नंबर लिखा। अबे साले ज़ॉम्बी, कोई पाकिस्तानी कंट्री का नंबर लिखा, ये किस कंट्री का नंबर लिखा रहा है? जाफे की कॉल आ रही है। गया साइंटिस्ट, तेरे को एंटीडोज का पता, लेकिन मेरी ये ज़ॉम्बी आर्मी तेरे को वो एंटीडोज कभी नहीं लेने देगी। सुन लो ये गौर से, देख साले जाफे गौर से देख, यही है ना तेरे ज़ॉम्बी जो तूने भेजे थे हमें रोकने के लिए, और हाँ ये देख एंटीडोज, और अब इसको मैं तोड़ के पूरी दुनिया में फैलाने लगा हूँ।
तेरा ज़ॉम्बी राज खत्म। मिल गया एंटीडोट। अबे 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 देख अबे 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 वो दूसरे यूट्यूबर को भी समझा। अबे साले ये मत करना। अबे मैं नहीं देख देख ये एंटीडोट छोड़ दे। तुझे जो चाहिए एंटीडोट मत फैलाना दुनिया में प्लीज। ऐसा कर इसको फेंक दे ये अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है ये। अबे साले तू मेरे को जानता। मेरी बात सुन मिल के बात कर लेते हैं। लेकिन ये एंटीडोट मत फैलाना। ये देख साले। अबे तेरी माँ की। नहीं ये एंटीडोट मत फैलाना। ये अबे ये तूने क्या कर दिया। अबे ये तूने क्या कर दिया। मेरी आंख टूट गई है। अबे ये सारा हंस क्यों रहा है। तुझे पता साइंटिस्ट कौन था। और ये एंटीडोज बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एंटीडोज नहीं था तो ये फिर क्या था। कहता ये कहता है जिस कमरे में 10 मिनट पहले साइंटिस्ट जाता है 10 मिनट बाद उसी कमरे से जाफा निकल के आता है। अबे क्यों निकल के आता है तेरे को पता नहीं। तेरे को नहीं पता क्यों आता है। क्यों आता है अबे 10 मिनट बाद जाफा आता है। ब्यूटी पार्लर पर है जिधर जाफा तैयार हो के आता। इसका मतलब जाफा ही साइंटिस्ट है। ना सर जी जाफा साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट ही जाफा है। और हाँ ये वायरस खत्म करने की दवा नहीं, ये वायरस और बढ़ाने की दवा है। क्या मतलब तेरा। अगर ये एंटीडोज नहीं था तो फिर क्या था। ये क्लोन वायरस था और आपको पता है ना ये क्लोन वायरस क्या होता है। मतलब जाफे ने हमारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में क्लोन वायरस फैला दिया है। क्लोन वायरस। आप भी सोच रहे होंगे अब ये क्या नई चीज है। पहले तो जिस इंसान को ज़ॉम्बी काटता था वही ज़ॉम्बी बनता था, लेकिन अब कोई इंसान जैसे भी मरेगा वो ज़ॉम्बी बनेगा। चाहे उसका सर फटे, चाहे उसका पेट फटे या कमर से नीचे कोई चीज फटे, वो जैसे भी मरेगा ज़ॉम्बी बनेगा। ये मेरी एक चाल थी तुम लोगों के साथ, क्योंकि ये काम मैं नहीं था कर सकता, ये काम कोई इंसान ही कर सकता था, इसलिए मैंने ये काम तुम लोगों से करवा। बड़ा ही कोई हरामदा जाफ है। जाफे मैं आ रहा हूँ तेरी बैंड बजाने। वो जी इधर तो आपको पता ही होगा कि जब वीडियो खत्म हो जाती है तो इधर बंदा रोन पिटन करता है कि यार सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह का नाम है सब्सक्राइब कर दो। तो भाई जी मेहनत तो आपको नजर आ रही होगी, बस आपका इतना सा काम है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। 40,000 सब्सक्राइबर हो गए उसी टाइम, एक सेकंड नहीं मैंने लगाना और पार्ट टू पोस्ट कर देना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो और इधर भी शो हो रहा होगा कि ये वीडियो हमने कैसे बनाई है, एक व्लॉग बनाया है, किस तरह से हमने ये बनाई है, कितने दिनों में बनाई है, जाके वो भी देखो। ओके मिलते हैं पार्ट टू में। 40,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवाओ।